समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मैनपुरी में भी प्रदर्शन के मूड में थे। सोमवार को प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करने वाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन इस प्रदर्शन के लिहाज से पूरी तरह से अलर्ट नजर आया और पुलिस प्रशासन ने पहले ही चाक चौबंद इंतजाम कर लिए थे। तो मैनपुरी में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की सक्रियता के कारण समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कामयाब नहीं हो सके। धरना प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने पार्टी के 200 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। बता दें कि समाजवादी पार्टी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने वाली थी। पार्टी लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और आपको बता दें कि जो बीजेपी है उसके खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रही है। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो जो किसानों का मुद्दा है वो तूल पकड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, और जो सियासी पार्टियां हैं वो भी अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश यहाँ पर कर रही हैं, लगातार कोशिश कर रही हैं कि सरकार की मुखालफत के लिए उन्हें किसानों के जो मुद्दा है उसका पूरा मदद मिले। क्योंकि अब आपको याद होगा कि दरअसल कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी लखनऊ से कन्नौज में किसान यात्रा में जाने वाले थे लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक लिया था। वो भी लगातार आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब क्या कुछ इस किसान आंदोलन का जो यूपी में अब पंचायत चुनाव होने हैं या फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें क्या कुछ असर इस किसान आंदोलन का पड़ता है, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष है खासतौर पर, वो इस मुद्दे को भुनाने में कितने कामयाब हो पाते हैं? किसानों के समर्थन में जो लोग जो है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के लिए घर से निकले थे उन्हें जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, और विशेष रूप से पार्टी कार्यालय से पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे ज़्यादा जो है लोकतंत्र की धज्जियां कभी किसी सरकार ने उड़ाई नहीं। किसानों के समर्थन